हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सिद्धि और आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं फराली नमकीन केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम तेल में बनता है और साथ ही में ये टेस्टी तो है ही, तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फराली नमकीन केक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मुरैया, जिसे आप बगर भी कह सकते हैं। मुरैया को मैंने अच्छे से साफ करके धो के ले लिया है, इसे भिगोने की जरूरत नहीं रहती है। आधा कप दही, यहाँ पर ताजे दही का इस्तेमाल करें जिससे कि दही खट्टा ना हो। 1/3 कप ग्रेट किया हुआ ताजा नारियल, अगर आपके पास ताजा नारियल अवेलेबल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून तिल, 2 टेबलस्पून कोर्सली ग्राइंड की हुई भुनी हुई मूंगफली, 10-12 किशमिश, उसे मैंने थोड़ा सा चॉप करके लिया है, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने क्रश करके लिया है, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और काली मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून घी, और दूसरा घी हमें चाहिए केक को शैलो फ्राई करने के लिए और टिन को ग्रीस करने के लिए, और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार सेंधा नमक। तो चलिए हम फराली नमकीन केक बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा वाला मिक्सिंग जार ले लेंगे और उसके अंदर हमने जो मुरैया लिया है उसे डाल देंगे। दही डाल देंगे। अब इसे हम ढक्कन लगाकर बंद कर लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब हमने ये जो क्रश करके मिक्सचर तैयार किया है उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम 1 कप पानी ले लेंगे और ये जो मिक्सिंग जार है उसमें डाल देंगे। मेरे चावल नए हैं तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, लेकिन आपके चावल अगर पुराने हो तो आप 1.5 कप पानी ले। अब हम ढक्कन को बंद कर लेंगे। ये जो ढक्कन में छेद होता है उसे भी हम बंद कर लेंगे और इसे 1-2 बार शेक कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मिक्सिंग जार में से पूरा मिक्सचर पानी में मिक्स हो गया है। अब हम इसे भी बाउल में डाल देंगे। तो हमारे चावल का घोल तैयार है, इसे एक बार हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस में। 1 कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे और उसके अंदर हमने जो घी लिया है उसे डाल देंगे। घी को हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। घी को गर्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसके गर्म होते ही हम इसमें जीरा डालेंगे, तिल डालेंगे। दोनों को हम घी में मिक्स करते हुए 1/2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। मैंने यहाँ पर तिल ज्यादा लिए हैं, लेकिन आपको अगर कम पसंद है तो आप 1/2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब हमने ये जो चावल का घोल बनाया था उसे एक बार हिला लेंगे और इसे हिलाने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को फुल फ्लेम पे रख के हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और ये हल्का सा ठीक हो चुका है। तो अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे, काला नमक, काली मिर्च, भूनकर क्रश की हुई मूंगफली, किशमिश, ग्रेट किया हुआ ताजा नारियल और आखिर में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब इन सारे चीजों को मिक्स करते हुए अच्छे से हिला लेंगे।
इसे हम मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए और भून लेंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए और भून लिया है और ये अच्छे से ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक जगह पे इकट्ठा होने लगा है और ये पैन में चिपक नहीं रहा है। तो बस हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो गैस बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को सेट करने के लिए एक कांच का बाउल लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी केक मोल्ड या तो थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने जो केक मिक्सचर तैयार किया है उसे इस बाउल में डाल देंगे। अब इसे हम स्पैटुला से या तो कटोरे के पीछे के हिस्से से इसे सेट कर लेंगे। इसे हम दबाकर सभी जगह से इक्वली अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर की लेयर एकदम स्मूथ कर लेंगे। अब इसे हम किचन काउंटर पे या तो पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसकी थिकनेस इतनी रखी है, लगभग 1.25 इंच इतनी है, लेकिन आप इसकी थिकनेस अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो ये सेट हो चुकी है। इसकी किनारों को हम चाकू से स्क्रैप कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरह का चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी थाली या तो प्लेट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम इस बाउल के ऊपर रख देंगे। अब बाउल और चॉपिंग बोर्ड दोनों को बहुत ही सावधानी से पकड़कर इसे हम पलट देंगे। ये देखिए, पलटने के साथ ही ये बहुत ही आसानी से निकल चुका है। इसका मतलब है कि हमारा केक अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे गोल या तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन आप इसे हल्का सा शैलो फ्राई करके खाएंगे तो ये ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसे शैलो फ्राई करने के लिए एक तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे। तवे को हम घी लगाकर हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो केक पीसेस तैयार किए हैं उसे रख देंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रख के इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक साइड से गोल्डन हो चुकी है तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कि इसे देखते ही खाने का मन करता है। ये अंदर से सॉफ्ट रहती है, तो इसे आप बहुत ही सावधानी से पलटें ताकि पलटते वक्त ये टूट ना जाए। तो ये नीचे की साइड से भी गोल्डन सिक कर तैयार है। आप चाहे तो इसे दो साइड से ही गोल्डन फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 4 साइड से गोल्डन फ्राई कर रही हूँ। तो इसे पलट देंगे और इस तरह से खड़ा कर लेंगे जिससे कि इसकी साइड भी अच्छे से सिक जाए। अब ये 3 साइड से गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसे पलट देंगे और यहाँ पर भी गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी ओर से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी बनी है और ये बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं।
फराले नमकीन केक सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और इसे ग्रीन चटनी के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है। आज की मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा, क्योंकि ये फराली होने के बावजूद भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।